सोहेल, बीते कुछ दिनों में आप लोगों ने राजस्थान बोर्ड रिजल्ट से जुड़ी अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन पाई होगी या फिर आपने गूगल या फिर यूट्यूब में देखा होगा, तो बहुत सारे लोग दावा कर रहे हैं कि राजस्थान बोर्ड का जो रिजल्ट है वो 15 मई के आसपास में आ जाएगा या फिर 15 मई को आने वाला है, जिसको लेकर बहुत सारे बच्चों ने मुझे कमेंट करके पूछा कि सच में क्या 15 मई तक हमारा रिजल्ट आने वाला है या नहीं आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में तुम्हें बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट से फैक्ट बेस पे बताऊंगा कि अभी क्या प्रोसेस चल रही है, कितना काम बाकी है बोर्ड का और क्या 15 मई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा या नहीं आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक आप लोगों को देखना है एंड अगर चैनल पे नए हो तो राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट चेक करना चाहते हैं तो ऐप की लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर ऐप डाउनलोड आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले तो तुम्हें मैं बता दूं कि देखो यहां पर राजस्थान बोर्ड का मेन फोकस अभी दो चीजों के लिए है। सबसे पहले तो जो है ट्वेल्थ की साइंस और कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी कॉपी जितनी जल्दी हो सके उनको चेक करना है, क्योंकि उनका रिजल्ट उन्हें पहले जारी करना है। इसको लेकर उन्होंने हाईलाइटेड पहले ही कर दिया था कि ये सब चीजें हम करेंगे और पहले ट्वेल्थ वालों का रिजल्ट हम लोग ला सकते हैं। सेकेंड काम उनका पता था कॉपी चेकिंग को लेकर, तो अब अभी तक जो इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है उसके हिसाब से यहां पर आप लोगों की 10th क्लास की लगभग कॉपियां चेक हो चुकी है, 12th क्लास की भी लगभग कॉपी चेक हो चुकी है। तो आप बोल सकते हो कि 8 मई तक के आप लोगों की कॉपी पूरी तरीके से कंप्लीट यहां पे राजस्थान बोर्ड कर लेगा। सिर्फ 3 काम उसको बचेगा, उन काम के बेस पे आपका रिजल्ट निकाला जाएगा, जो कि मैं आपको बारी बारी से समझा देता हूँ। तो यार अगर आप भी अपना राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट करना चाहते हैं चेक ओबी वन क्लिक में, तो सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाकर लिख देना राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2023 और जैसे ही आप राजस्थान बोर्ड रिजल्ट 2023 लिख दोगे आपको एक ऐप देखने को मिल जाएगा। इसका लोगो आप बाजू में देख सकते हैं। सिंपली इस ऐप को आपको जो है इंस्टॉल कर लेना है। अंदर जाओगे तो इस ऐप में आपको ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट एजुकेशन का यह एप्लीकेशन होना चाहिए। नीचे आके आपको यहां पर जो है 5 स्टार की रेटिंग इस ऐप को दे देनी है और यहां पर कुछ भी रिव्यू आप अपना लिख सकते हैं। और जैसे ही आप इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन करोगे देन यहां पर आपको जो है 10th एंड 12th दोनों ही क्लास के रिजल्ट की जो लिंक है ऑफिशियली तरीके से देखने को मिल जाएगी। सिंपली आप वन क्लिक में अपना रिजल्ट यहां पे चेक कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड के पास में जैसे ही आप लोगों की कॉपी चेकिंग हो जाती है उसके बाद में भी कुछ प्रेशर होता है। लाइक आपके जो मार्क्स होते हैं उन्हें को जो है अपनी वेबसाइट्स में अपलोड करना पड़ता है। जो टॉपर की लिस्ट बनाई जाती है, टॉप 10 टॉपर जो होते हैं आपके स्टेट के, उनकी लिस्ट यहाँ पर निकालनी होती है। अगर मैं एक्सपेक्टेड बताऊँ कि 8 मई तक अगर आपकी कॉपी चेकिंग भी हो गई तो ये जो उसके बाद में आपके चाहे जो मार्क्स हैं आपके वो वेबसाइट्स में अपलोड करना हो या टॉपर वेरीफिकेशन करना हो उसको लेकर यहां पे लगभग 10 से 12 दिन का समय तो एक्चुअली में लगता है। उसके पहले ये काम करना इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि अदर बोर्ड में भी देखोगे तो इतना ही समय वो लोग लेते हैं। तो आपको जो बताया जा रहा है 15 मई के आसपास में आ सकता है, तो मुझे नहीं लगता है कि 15 मई के आसपास में आए। हालांकि आपको 20 से 25 मई के आसपास में रिजल्ट की तारीखें या रिजल्ट देखने को मिल सकता है 12th साइंस और कॉमर्स वालों का, आर्ट वालों का भी निकाल सकता है साथ में, 10th क्लास वालों का थोड़ा सा यहां पर 1-2 दिन यहां पर लेट कर सकता है राजस्थान बोर्ड। तो मैं तुम्हें तो यही कहूंगा कि अभी 25 मई तक तो तुम्हें रिलैक्स होना है। 25 मई तक के एक्सपेक्टेड है ही नहीं कि आपका रिजल्ट आ जाए। अगर आपको कहीं से दावा किया जा रहा है या जानकारी बताई जा रही है तो उन्हें थोड़ा सा अभी आप इग्नोर करिए, क्योंकि ये लॉजिकली भी देखा जाए तो पॉसिबल अभी बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे रिगार्डिंग कोई न्यूज आती है, कोई आर्टिकल मेरे पास में आता है, मैं उसको अपने हिसाब से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल अगर चैनल पर नए हो राजस्थान बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर करना है।